आपने रिसेंटली साइक्लोन तोकते के बारे में सुना ही होगा। साइक्लोन तोकते ने भारत के पश्चिमी तटीय शहरों को काफ़ी प्रभावित किया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइक्लोन यानी कि चक्रवात के बनने के पीछे क्या कंडीशन होती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, साइक्लोन दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। खबरों में ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, इसलिए आज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन की बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरी कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंट होना। तीसरी कंडीशन है स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल वाइंड स्पीड, यानी कि ऊपर उठती पवनों की गति में अंतर का कम होना जरूरी है। चौथी कंडीशन है कमज़ोर लो प्रेशर एरिया ऑन लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और लास्ट कंडीशन है अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। समुद्रों से लगातार वाटर वेपर की आपूर्ति से यह तूफान अधिक प्रबल होते हैं, पर जैसे ही साइक्लोन लैंड पर पहुंचते हैं उन्हें वाटर वेपर की आपूर्ति रुक जाती है और साइक्लोन की रफ्तार भी कम हो जाती है और धीरे धीरे वे समाप्त हो जाते हैं। भारत के केस में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से ज़्यादा संख्या में साइक्लोन उत्पन्न होते हैं। हाल ही में आया साइक्लोन तोकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। आई होप यू ऑल रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।